हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपको हमारे चैनल पर। आज की जो वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ BECS 184, यानी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। और साथ ही स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लोग जनवरी के सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें हमें आंसर असाइनमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो क्या केवल यही सबसे काफ़ी है कि आपको आंसर दिखाया जाए? नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है असाइनमेंट बनाने का तरीका। अगर आप फर्स्ट टाइम असाइनमेंट बना रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि कौन से पैन का यूज़ करना है, क्या गाइडलाइंस है, कुछ नहीं समझ और आप डायरेक्ट असाइनमेंट बना रहे हैं, तो क्या आपके लिए काफ़ी नहीं होता? अगर आपको जब तक कोई इंसान आपको या कोई वीडियो आपको अच्छे से गाइड ना करे कि कैसे आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छे से नहीं समझाएंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपको असाइनमेंट बनाना है, क्या गाइडलाइंस है, तो आज की इस वीडियो में आप जान जाएंगे। और साथ ही आपको इस वीडियो में आपको आंसर भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आज एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ, अगर आपने हमारे बताए गए तरीकों को अपनाते हैं यानी फॉलो करते हैं, तो आप अच्छे से अपने असाइनमेंट बना पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने असाइनमेंट पर। तो यहाँ केवल असाइनमेंट के बारे में ही हम डिस्कशन नहीं करेंगे, असाइनमेंट बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्स होते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होती है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, जानते हैं और समझते हैं आप सही ढंग से, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं असाइनमेंट, तो कैसे आप खुद असाइनमेंट बना पाएंगे। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट, असाइनमेंट बनाने से पहले हमें जरूर हमारे पास होना चाहिए क्वेश्चन पेपर। यहाँ बहुत लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो में देखा कि क्वेश्चन और आंसर दिख रहा है तो आप डायरेक्ट असाइनमेंट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना। बहुत लोग क्या कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं और फिर गलत हो जाता है आपका असाइनमेंट। अगर आपके क्वेश्चन सेव नहीं हुए तो फिर इसमें आपका ही नुकसान होता है। तो यहाँ क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, यहाँ से क्वेश्चंस को मैच करना है, फिर आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ हमने जो भी ये 23-24 का असाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। बाकी एक बार आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट्स, अब बात की जाए, हमने असाइनमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लिया, तो अब बात आती है, वो है आपके शीट। अगर आपके पास शीट है और आपने ले रखी है कलर वाली शीट, तो उस कलर वाली शीट का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स आपको वाइट लाइनिंग वाली शीट का ही आपको यूज़ करना है और उसी पे आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ आप ये चीज़ समझ चुके हैं। अब बात आती है पेन की। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई कलर वाला पेन यूज़ कर देते हैं, तो ऐसा कोई अदर पेन का यूज़ नहीं करना। केवल दो ही पेन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एक तो ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। इन दो पेन का यूज़ करके आप रेडी कीजिए अपना असाइनमेंट। और फोर्थ पॉइंट है, वो है आपका आंसर, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने वर्ड्स में पूछे गए हैं, कितने कहने हैं, वो सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसमें। तो यहाँ आपको आंसर लिखने का तरीका पूरा अच्छे से दे रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर लिखिए। और हमेशा जो भी आपका आंसर होता है ना, जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको कम से कम आप अपने 500 वर्ड्स में आंसर लिखिए। यहाँ हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखा है, कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड्स में है और कितना आंसर लिखना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको आंसर दे रखा है यहाँ पर। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से असाइनमेंट बना लेंगे, पर बहुत से स्टूडेंट होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि कैसे असाइनमेंट बनाएं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है। यानी कि बहुत लोग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, यानी कि हम अपना कोर्स भी कंप्लीट करते हैं, साथ ही साथ अपना पार्ट टाइम को जॉब भी, तो आप दोनों चीज़ को एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग क्या सोचते हैं कि असाइनमेंट नहीं सबमिट करते हैं और बीच में स्किप कर देते हैं अपना कोर्स। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स, कोर्स आप बड़ी मेहनत से करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ब्राइट फ्यूचर में वो कोर्स आपका वो कोर्स आपके आपके लिए बेनिफिशियल हो, यानी कि आप अपना करियर बना सकते हैं इस कोर्स में।
तो इसके लिए आप अपने कोर्स को हमेशा कंटिन्यू करें, कभी भी बीच में ऐसा ना छोड़ें। और रही बात असाइनमेंट की, असाइनमेंट सबमिट करना है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी इसमें मदद करेंगे, हम आपको असाइनमेंट बना के देंगे। जो भी आपकी क्वेरी है मैं आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं इस नंबर को आपको एक बार और बता देती हूँ, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8130208920 पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। जो भी आपकी क्वेरी है यानी कि असाइनमेंट्स को लेकर या एग्ज़ाम्स के लिए कोई हेल्प चाहिए तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट खुद से बना रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो फ्री में बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाऊंगी, धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूंगी जिससे आप आराम से लिख पाएँ। हाँ, तो यहाँ आप वीडियो को पॉज कीजिए, सब कुछ यहाँ समझ चुके हैं तो यहाँ आप आराम से आंसर लिख सकते हैं।
तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो फिनिश हो चुका है। मुझे यकीन है जो भी मैंने आज आपको समझाया वो अच्छे से आप समझ चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है या अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपको उसका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट कोड पर चाहिए वो चीज़ भी आप हमें बता सकते हैं। और हमारे ही चैनल पे ऐसे ही और भी एकदम की इन्फॉर्मेशन आने हम देते रहते हैं, और आने वाले टाइम पर भी हम ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो एक एज अ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए और आने वाले नए नए अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, माइग्नो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग केवल आंसर ढूंढने के चक्कर में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को तो इग्नोर ही कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो लोगों तक ज़रूर पहुंचे और लोग जान पाए कि कैसे सही ढंग से यानी कि अच्छे से आप कैसे और एक्चुअल में आप असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होती है, किस किस चीज़ों को आज से हमें छोड़ना चाहिए, सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।